कोशिश नहीं है। हाँ गीता, देख मेरे भाई ने मेरी क्या हालत बना दिया है। गीता, शायद ये दुनिया वाले हम इतने चैन से जीने नहीं देंगे जी। शादी में मरने की तस्वीर खाई थी, हम तुम एक साथ मरेंगे ऐसे। आज ये सामने मेरी अधिकारी बढ़ती है, चलो इससे नहीं हमें खुद के अपने चाहते ऐसा थे। गाड़ी नहीं चला सकता है ना ना ना। ए लड़की चल आगे बढ़। भैया इसे कायदे से संभाल, चलो इसे हॉस्पिटल ले जाओ। ए लड़की, तुम्हारी कहानी तो मैं कानों से अपने सुन लिया है। मैं जानता हूं कितनी दुख की भरी कहानी तुम्हारी है, लेकिन आखिर ये बताओ आज अपनी जान देने क्यों जा रही थी? बोलो भाई, अगर मेरी तुमने आकर मेरी जान बचाया है मेरी कहानी सुनने से पहले अपना देख पत्थर का करना। मेरी कहानी सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा। अरे वाह, ऐसी कौन सी बहन कहानी है तुम्हारी? सुल्तान सिंह का कलेसा टहल जाएगा। मथुरापुर की रहने वाली हो और आप मथुरापुर की रहने वाली हो, फिर इसके आगे क्या हुआ बहन? ओ भैया की काली पी देखा था कि कोने कोने में बहन तहलका मचा दिया,
और गिलगिल के बदले कुत्तों से चुकाया सारे। अरे इससे ठहर, तो मैं आज से तुम्हें शरण देना चाहता हूँ और माँ भवानी की सौगंध खा बहन कि साथियों के साथ में कभी गद्दारी नहीं करूंगी और सुरेंद्र सिंह प्रधान से गिनगिन के बदले जब तक नहीं चुकाना ये बंदेज करने से भवानी नहीं उतरना चाहिए। तेरे भाई तुमने आज जाकर मुझे बहन कहा है और अपनी शरण देना चाहते हो तो लाओ लाओ, मैं आज तुम्हें भवानी की सौगंध खाऊंगी कि तुम्हारे साथियों के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करूंगी और अपने दुश्मनों से गिनगिन बदला। आज मैं इस भवानी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि जब तक उन मकारों के खून से अपने माथे पे तिलक नहीं लगाऊंगी तब तक चैन की आ। लेकिन एक बात है भाई, इस तरीके से नहीं, इस लिबास में अब हमारी संगत नहीं कर सकेगी बहन। जिस तरीके से लिबास में हम लोग हैं उसी लिबास में आपको आना पड़ेगा। और ये ही नहीं सरदार, इसके जिस्म में इतनी फौलाद भर दिया जाए ताकि इसके नाम से रूह थर्रा उठे। ये बात है मेरे भाई तो बढ़ा पैगाओ, आज अपने अड्डे मुझे दिखाओ जिस दिन इस ग्राम मजबापुर की तरफ लाट कर आऊंगा मैं उन कुत्तों के मौत का पैगाम लेकर आऊंगा। बढ़ाओ पैगाम, आज से चमल का नारा यही लगेगा। किस बात का बहन? अब ये है डिया जी का बंगला, डिया जी का बंगला अब है चपरासी। मालूम होना चाहिए कि एक इस समय कुछ क्षण पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सीतापुर खाले रामपुर से एक फोन आया था। यस सर, किसका है? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और खाले रामपुर के हालात बिगड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ की जनता बहुत ही परेशान है। यस ऐसे गुंडे और दरिंदे हैं जो जनता को तबाह करते हैं और वहां की पब्लिक भर चुकी है। जी सर, इसलिए एक नई पोस्टिंग में एक लड़की जिसका नाम है सीता, जी सर, नई ट्रेनिंग करके दिल्ली से वापस आ रही है। यस सर, तुम जाओ उसे पेट फार्म से अपने साथ लेकर आओ क्योंकि वो हमारा बंगला नहीं जानती। थैंक यू बैंगो। सर और क्यों बोलूंगा या आपने
बताती हूँ कि आज मुझे अचानक किसने बुलाया। बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। टोनी सर और दिल्ली शहर से। क्या दिल्ली शहर से? दिल्ली शहर से है लखनऊ बुलाया। हवलदार थाने में कदम ही धाते तुम्हें छीन आ गई है।
सारे कमरे में लाके मच्छरदानी का लगा रहा है शांतिका
कोई जवान लेकर के धंधारी जंगल की तरफ प्रस्थान करो, और अगर कोई जरूरी काम पड़े टेलीफोन करो, मेरा सब आदेश है। नहीं सर, आज ड्यूटी के लिए मैं अकेली जाऊंगी। हाँ, पहले वहां का माहौल तो देखूंगी कि टापू लोग किस जाते हैं। इसका मतलब तुम अकेली जाना चाहती हो? जी सर। तो तुम जा सकती हो? ठीक है सर, आने का इंतजार करना। ठीक है, जाइए।